नमस्कार दोस्तों, आज 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों ये बता दूं मैं, इसमें वजन होता है 26-28 किलो तक, पर गिनती आती है इसकी 25 किलो में। जान लेंगे आज की मंडी की क्या पोजीशन भाई साहब से, जो मैनेजर सिंह है यहाँ पर माल बेचने वाले, आज का क्या कुछ रेट खुला, कितनी गाड़ियाँ आई और भी जानकारी लेंगे इनसे। नमस्कार सर जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी, आज कितनी गाड़ियाँ हैं जी, बाजार कैसा जी? सर जी आज 30-32 गाड़ियाँ हैं और 2-4 बैलेंस है कल की। अच्छा जी, जो कल आनी थी वो आज आई है। अच्छा जी। हाँ, बैंक अपने औरंगाबाद की। हाँ जी, वो आज आई है, कुल मिला के 34-35 गाड़ियाँ से कम नहीं है। अच्छा, जो इसका टमाटर का माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान खुलेगा, बॉर्डर खुल जाएगा, तो इसकी क्या कोई सूचना आई कुछ? हाँ जी, कल सूचना आई थी कि कल आज मीटिंग है। अच्छा जी, आज जो रिजल्ट है इसका वो आज निकलेगा। अच्छा जो जी, अगर खुल गया तो टमाटर थोड़ा ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, ऊपर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अगर नहीं खुला तो फिर यही चलेगा बाजार। अच्छा जी, तो यही जानकारी के लिए पीछे भी कुछ हलचल देखने को मिली जी, जहाँ से प्रोडक्शन मंडियों में? यहाँ पे सर बाजार सीधा 50 रुपए टाइट हुआ है, 50 से 70 रुपए दिल्ली में जी, पीछे पीछे। अच्छा, जहाँ प्रोडक्शन मंडियों में? दिल्ली में हालत खस्ता है, जो व्यापारी भाई है सब नुकसान में है। अच्छा जी, अच्छा। और ये गिल्ला क्यों आ रहा जी इतना? ये एक मिनट, ये ऐसा है ना, वहाँ बारिश हुई है बेंगलोर में। अच्छा जी, उसकी वजह से ये जो बूंदाबांदी हो जाती है उसकी वजह से थोड़ा गिल्ला हो जाता है। अच्छा, उल्ली लग गई जी इसमें? हाँ जी, हाँ जी। और इसका कहाँ वाला माल है जी? ये है जी अपना अनंतनाग। अनंतनाग का? नहीं, और अनंतापुर। अनंतापुर जी, हाँ जी, बेंगलोर का। अच्छा जी, अच्छा। इसका कैसा बाजार चल रहा जी? इसका बाजार है जी आज यहाँ मंडी में जो सुपर सौदे हैं 550 से कम नहीं है। दे इस गेल के, इस ये, गेल। ये तो सर 500 रुपए के आईडी है। अच्छा जी, अच्छा। जो गीला है वो 500 रुपए। अच्छा, जो सुपर बढ़िया माल, अच्छे माल, सूखे माल। हाँ, गीले का कोई आईडिया नहीं है, वो 480 भी बिकेगा, 500 भी बिकेगा। अच्छा जी, और सूखा माल है जो 550 से कम नहीं है जी, ऊपर भी जा सकता है। अच्छा जी, हाँ जी। और अपने पास वो नहीं है जी? हाँ, औरंगाबाद लगी है सर गाड़ी। ये अच्छा, राणा जी दिखा दो। ये औरंगाबाद सामने उतर रही है, वो वाली अच्छा गाड़ी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, ये औरंगाबाद की है। इसकी पोजीशन आज की डेट में 450 रुपए मान के चलो आप, 450-460 रुपए। यानी औरंगाबाद इससे 85 रुपए थोड़ा सा डाउन रहता है? इससे डाउन है जी, वो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है जी। अच्छा जी, बीज अलग है वो। अच्छा, देसी में है वो? गोल है? देसी में है, गोल पर है, गोल है, लेकिन उसका बीज है 440 बीज। अच्छा जी, थोड़ा बीज जो नरम बीज है। अच्छा जी, अच्छा। और ये हाइब्रिड कहाँ वाला जी है? ये हाइब्रिड संगम नेर है जी, ये हमारे अशोक भाई के पास है। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चल रहा जी, जो महाराष्ट्र संगम नेर के? संगम नेर का बाजार भी पिटा हुआ है 450-500। अच्छा जी, यही चल रहा है। और जो अपना ये कर्नाटक वाले बेंगलोर वाले हाइब्रिड है जी? हाइब्रिड बेंगलोर वाला सर कम से कम भी है 600 रुपए से कम नहीं है। अच्छा जी सर, जी थे 550 से 600। बॉर्डर खुल गया फिर तो उम्मीद है 200 रुपए उछाल मारेगा जी? बिल्कुल मारेगा राणा जी, अगर बॉर्डर खुल गया पूरी तरह से तो उछाल मारेगा टमाटर। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ भूखमरी मची हुई है, वो बाढ़ आ गई, फसलें नुकसान हो गया जी। फसलें नुकसान हो गया वहाँ, कोई सब्जी कोई है ही नहीं। और जो ऐसा है जी, मान लो ये बॉर्डर ना खुला, हाँ जी, और जाने की अनुमति होगी वाया दुबई, तो टमाटर तो नहीं जा सकता जी दुबई से? ओके, क्यों लंबा टाइम इतने में टिकेगा? ये टिकेगा नहीं, ये तो सीधा यहीं से जा सकता है। हाँ, टिकाऊ फसल जो टिकाऊ सब्जी होगी वो जा सकती है। हाँ जी, ये नहीं जा सकता, टमाटर बचेगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से जितनी दूर मध्य प्रदेश पड़ता है, हाँ जी, इतनी दूर ये बॉर्डर पड़ेगा पाकिस्तान का। जी जी जी, तो इसको तो जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, जो दुबई से होके जाएगा फिर दिक्कत पड़ेगी, फिर दिक्कत आएगी जी, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये बताओ जी, जो पाकिस्तान वाले हैं ये हाइब्रिड ज्यादा मांगते हैं कि ये गोल टमाटर जी? टमाटर हाइब्रिड ज्यादा मांगते हैं पाकिस्तान। अच्छा जी, हाँ जी, गोल वाला कम। हाइब्रिड की जो लाइफ है ज्यादा है जी? ये हाइब्रिड की लाइफ ज्यादा है। अच्छा जी, वो टिकता ज्यादा है। अच्छा, ये गोल जो है ना जी, हाँ जी, ये टिकता नहीं है ज्यादा। और मुझे लगता है कि हाइब्रिड में भी ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का चलेगा जी टमाटर वहाँ? नहीं 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 नहीं, हाँ जी, हाइब्रिड में टॉप क्वालिटी जाती है जी पाकिस्तान। अच्छा जी, हाँ, पहले भी हमारा माल जाता रहा, लेकिन टमाटर जो है वहाँ टॉप क्वालिटी चाहिए। अच्छा जी, हाँ, थोड़ा मीडियम होगा तो मीडियम भाव में बिक जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, लेकिन माल बढ़िया ही जाता है पाकिस्तान, चलो जो वहाँ पहुँच जाए।
अच्छा जी अच्छा, हाँ जी, जो वहाँ सुरक्षित पहुँच जाए, जो सुरक्षित पहुँच, यानी इसका तो आज पता चलेगा, ये खुलेगा या हाँ खुलेगा राणा जी, आज इसका क्लियर हो जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा। चलो देखो, और व्यापारी भाइयों को खुशी होगी अगर खुल जाए तो, यानी मार्केट में तो हलचल होगी इसकी। हाँ हाँ हाँ, मार्केट में कल से हलचल चालू है। अच्छा जी अच्छा, और व्यापारी भाई भी खुश है, अगर खुल जाए तो बढ़िया है। चलो जी, जिनका उनको भी दो पैसे फालतू मिलेंगे। हाँ जी, फसल है ना जी, हाँ जी, किसी को भी बेच सकते हैं जी। बिल्कुल सर, हाँ जी, वो पा रहे हैं तो पैसे का मतलब है जी। जी हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी राणा जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हर व्यापारी और किसान भाई से जुड़े हुए हैं जमीन से, और हर अपना सब्जी फल फ्रूट प्याज लहसुन हर चीज़ का भाव आप डेली का डेली हर व्यापारी भाई को रूबरू कराते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारी तो यही गुजारिश है जी, नाम है मैनेजर सिंह। हाँ जी, फर्म का नाम है ओम प्रकाश कृष्ण लाल एंड कंपनी। हाँ जी, D402 नंबर। हाँ जी, मोबाइल नंबर है जी 9350038179। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे। दोस्तों, जान लेंगे इन चौहान वेजिटेबल कंपनी पे भी आज का टमाटर का क्या बाजार चला। इनके पास भी टमाटर आया, हाइब्रिड में है, और दूसरे वाला हिमाचल का पेटी वाला, हिमाचल की सब्जियां आ रही जो बॉक्स पैकिंग है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाऊजी। भाई साहब जी, आज कहाँ वाला माल जी अपने पास जी है? ये नासिक भाऊजी। अच्छा जी, नासिक का जी, तो कैसा बाजार चला जी? ये चल रहा है भाऊजी 350 रुपये लगा के 380 रुपये लो। 350 से 380 रुपये लो जी। अच्छा जी अच्छा, और सूखा माल जी बढ़िया वाला जी जो? ये इससे बढ़िया क्या होगा, सूखा माल है। अच्छा जी अच्छा, शिमला की पेटी बिक रही है 250-300 रुपये, ये जो 15 किलो की है। हाँ जी, अच्छा जी, और क्या सब्जियां आ रही जी इनमें गत्ते में जी? गत्ते में शिमला मिर्च जी, ये शिमला वाली जी है, हिमाचल वाली। हाँ जी हाँ जी, इसका कैसा बाजार जी? 40-50 रुपये किलो। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, ये बताओ जी, ये जो बाहर की चर्चा हो रही कि पाकिस्तान माल जाएगा, हाँ, क्या उम्मीद है जी, खुल सकता है जी? कोई उम्मीद नहीं है जी। अच्छा जी हाँ जी, जो खुल जाए बॉर्डर फिर तो हलचल होगी जी पूरी? बिल्कुल हलचल होगी जी। अच्छा जी हाँ जी, तो कितने का कहाँ तक जा सकता है जी? 700-800 रुपये सीधा, यानी 1.5 गुना 2 गुने पर जाएगा? बिल्कुल जी, फिर तो यानी पैसे बन जाएंगे जी। बिल्कुल, किसान के पैसे बनेंगे जी। अच्छा जी अच्छा हाँ जी, तो उम्मीद अभी आपको ना के बराबर है जी इसमें? कोई उम्मीद नहीं है जी अभी। अच्छा जी हाँ जी, कारण जी? कारण क्या, यही है नेताओं का सब। अच्छा जी अच्छा हाँ जी, चलो देखो जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। दोस्तों, आज वैसे मंडी में गाड़ियां भी ज़्यादा हैं, माल भी गिल्ले सूखे हैं, पर रौनक है। ये जो पाकिस्तान वाला जो बात हुई कि माल खुलेगा जाएगा नहीं जाएगा, उससे इनको नहीं पता। तो मैंने एक चीज़ जानी तो आज मंडी में थोड़ी सी उठाव, अभी दोबारा हलचल शुरू हुई, जैसे जैसे चर्चा होती जा रही, तो जो उनसे 5-10 करेट लेने वाले हैं वो 15-20 करेट पे आ लिए, यानी एक दिन का कोटा लेना चाह रहे वो, फालतू लेके चल रहे आज। पर मंडी में माल ज़्यादा होने के कारण अभी तक तो कुछ ही ज़्यादा उठाव की स्थिति नहीं आई, पर मुझे लगता है कि बाद में बाजार आज उठ भी सकता है, क्योंकि आज देखो सारी दुकानों पर थोड़ा सा हलचल है। वो जो लेने वाले हैं थोड़ा सा स्टॉक में माल रखना चाह रहे, भी एक दिन का तो रख लो, यदि ऊपर से ऑर्डर आ गया कि बॉर्डर खुल गया और पाकिस्तान माल जाने लग गया, तो तुरंत यहाँ पर डबल रेट में टमाटर जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की चर्चा इसलिए चल रही कि पाकिस्तान में ज़्यादा तबाही आ गई, पाकिस्तान में जो बरसात हुई, बरसात ने वहाँ की फसलें नष्ट कर दी और वहाँ के खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान करा, इसलिए उनकी फसलें नष्ट होने के कारण तो वहाँ पर प्याज की, टमाटर की, ये तो चलो एक्सपोर्ट होते हैं, बाकी वहाँ सारे सामान की थोड़े से शॉर्टेज पड़ गई, जो फल सब्जी थी उसके कारण वहाँ पर माल जाने की संभावना बन रही है।